दो नंबर पर जो फिल्म है इसे देखने के बाद शायद आपका मन विचलित हो जाए या फिर इस सोसाइटी में रहने पर आपको शर्माने लगे। फिल्म का नाम है वेलकम होम। 2020 में आई यह फिल्म लगभग 2 घंटे की है और IMDb पे 7.5 रेटिंग है। यह फिल्म रियल स्टोरी पर बेस्ड है। ऐसे मर्द जिसे देखकर आपको शायद घिन आने लगे। दो महिला शिक्षिका हैं जो गवर्नमेंट के काम से एक आइसोलेटेड हाउस में जाती हैं। वैसे घर में जो मार्केट से पूरे शहर से बिल्कुल ही अलग है और वहाँ पर एक ही घर है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट के काम से जाती है जहाँ पर इनको देखना होता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है, कितने लोग हैं, किस तरीके से रहते हैं, ये सारी जानकारियाँ इनको जुटानी पड़ती है। लेकिन ये वहाँ जाकर फंस जाती है क्योंकि वहाँ पर एक नॉर्मल फैमिली तो रहती नहीं है, एक साइको फैमिली रहती है जो उस रास्ते से गुजरने वाले किसी भी लड़कियों को पकड़ कर उनको मारते हैं, उनका रेप करते हैं। तो ये दो लड़की तो खुद उनके पास गई है तो ये कैसे बच सकती है। और सबसे जरूरी बात, जो फादर्स डे पर ट्वीट करते रहते हैं या फिर पोस्ट डालते रहते हैं उनको तो ये फिल्म जरूर देखना चाहिए। और कुछ भी फादर्स के खिलाफ बोला जाए या फिर ये भी बोला जाए कि पिता भी गलत किसी मामले में हो सकते हैं या फिर इस मामले में ही हो सकते हैं तो वो तुरंत रिएक्शन देने लगते हैं। तो इस फिल्म में देखें कि पिता का क्या रोल है। वो अपनी बेटी के साथ ही रेप करते हैं। उनकी बेटी प्रेग्नेंट है अपने ही बाप के कारण। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खराब हालत है इन जगहों की और इन मर्दों की क्या साइकोलॉजी है, कितनी खराब इनकी मानसिक स्थिति है जो एक तो रास्ते से जाते हुए या फिर वहाँ से गुजरते हुए किसी भी लड़की को उठाते हैं, ऊपर से उनसे भी जब मन नहीं भरा तो अपनी ही बेटी के साथ रेप करते हैं। तो इस फिल्म को आप देखें, बहुत कुछ आपको गांव की हालत के बारे में जानने को मिलेगा। यदि आप भी अच्छे मूवी देखने के शौकीन हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल का टैगलाइन है सब्सक्राइब फॉर बेस्ट मूवी नॉट लेटेस्ट मूवी।